राजस्थान की सियासी जंग अब कोर्ट में भी लड़ी जा रही है। विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा आमने सामने हैं। सूबे में चल रही सियासी नूरा कुश्ती के बीच अब एक बार फिर भारतीय विपक्ष जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा विधायक और बसपा की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा की ओर से पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने याचिका दायर की। दोनों ही नेताओं की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने को चुनौती दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ 29 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पूरकवाद सूची में ये याचिकाएं 89 और 93 क्रम संख्या पर सचिबुद्ध हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी भाजपा के एक विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने को लेकर याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी थी। अब बसपा ने भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर अपने विधायकों को तोड़ने और नियमों के विपरीत उन्हें पार्टी में शामिल कराने का आरोप लगाया था। बसपा ने पिछले दिनों एक व्हिप भी जारी किया था जिसमें विधायकों से कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने को कहा गया था। SPN9 न्यूज़ रूम से शालिनी जा की रिपोर्ट।